الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين

फ़िकरी शुनियादी गैर अख्तिलाफी गैर तनकीदी तमीरी मसाइल पर दर्स होता है इसके अंदर हमने मुख्तफ़ मौजुआत को टच किया है एक एक मौजू को ले लेते हैं मसला बच्चों की तरबियत फ़ोन के आदाब मैसेज़ के आदाब कलेम और जादू का इलाज किस आलम के पीछे जाएँगे जिसके अंदर दस बातें हों और रामबान के मसाइल ज़क़त के मसाइल और इसी तरह मुख्तल आदाब फ़िकी मसाइल पाकि नापाकि वज़ू गसल तैम नमाज फ्राइज़ वाज़, वाजबात सुन्नत तरीक़ा इस पर आप अजरात के सामने तफसीली मबास हो चुकी हैं आज जो हमारा सबक है वही तरतीब हमारी चल रही है हम जनाजे के मसाइल तक पहुँच चुके हैं जनाजे के मसाइल तो वो तीन बटे चार मसाइल हो चुके हैं तीन बड़े चार जनाजे के हवाले से कुछ बाकी हैं वो आज बयान करता हूँ तो जनाजे के मसाइल तक हम पहुँच चुके हैं बीमार पुरसी किस तरह करोगे जिसका इंतकाल हो जाए फिर क्या करोगे उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसको गौसल किस तरह दोगे एक गसल दो नहीं और उसके बाद कफन किस तरह पहनाओगे सोलह गज़ मर्द के लिए और बाईस गज़ औरत के लिए कपड़ा कफन का अतर सजदे की जगहों पर लगाना और मर्द के लिए तीन औरत के लिए पांच कपड़े तफसील से ये बात आप के सामने आ गई और ये बात भी मैंने बता दी कि जब किसी की फौत की हो जाए तो फ़ौर लड़ना शुरू मत करो बल्कि किसी भी मुफ्ती साहब आलमदीन के पास जाओ कि छः शेयर हसस हैं बारह अफराद के लिए आठ औरतें चार मर्द हैं उनको यदि किस तरह तकसीम करेंगे आलम दिन से पूछो वो आपको बता देंगे कि पहले कफन दफन का खर्चा निकालो जमीन का फिर अगर उस पर कर्जा हो तो वह निकालो तो उस पर दो गवाह मौजूद हों या वो रसा इकरार करें और अगर उसने वसीयत की हो तो वह अदा करो गैर वारिस के लिए वारिस के, के लिए वसीयत बातल है अल्लाई के सारे व रसा जो बाकी बच चुके हैं वो राजी हों तो फिर जाया बाकी तकसीम करो छः हिस बारह अफराद के लिए आठ औरतें और चार मर्द ये भी मैंने बताया था किसी भी मुफ्ती साहब से आलमदीन से पूछ लो वो आपको बता देंगे लड़ने की ज़रूरत नहीं है हम लड़ें हर बात पर लड़ें अच्छी बात नहीं है तो जनाजा के मसाइल आप हजरात के सामने गुजर रहे थे तो आज जो हमारा सबक है वो है खैरात सदक़ात मईत के पीछे हम खैरात सदक़ात करते हैं पाक रब ने पाक कलाम में खैरा तो सदक़ात की तरगीब दी है व्यूत अमून तमाम मस्किन व यतीम आसरा अल्लाह के नेक बंदे मतकी महसिन अल्लाह वाले गरीबों को मस्किनों को और कैदियों को और ग़रीबों को उनको खिलाते हैं पिलाते हैं लहजा खाना खिलाना पानी पिलाना लोगों की ज़रूरतें पूरी करना ये जो आमाल है इसका स्वब जो है वो मुर्दे तक पहुंचता है अमल अल्लाह के लिए सवाब अरवाह मुकदसा के लिए अरवाह के लिए मरहमीन के लिए अमल अल्लाह के लिए ये दो नफल या ये हज या ये देग या ये बकरा या ये खाना वगैरह या ये तेरे लिए और सवाब मैत के लिए अमल अल्लाह के लिए सवाब मैत के लिए नाम अल्लाह का लोगे सवाब मरहुमीन ये ठीक है इस तरह करोगे तो खाना खिलाना ये एक अजीम अमल है क़्यामत के तराजु में सबसे भारी चीज़ अच्छे अखलाक और गरीबों को खाना खेलाना ये भारी चीज़ें हैं तो इस तरतीब से अगर आपके पास ताकत है तो आप उसकी तरफ से आप दावत करें तो ये इस्लाम में जायज है हजरत जाबरबिन रदी अल्लाह से इबन माजा शरीफ में रवायत है वो फरमाते हैं कि पहले दूसरे और तीसरे दिन हम मैत के घर को घर में खाने को आले महल्ला इस तरह समझते थे हराम जिस तरह मैय के ऊपर नौहा करना हराम है जायर इबन अब्दुल्ल अबन माजा अलामा शामी ने फतावा शामी शाम नंबर दो में ये बात नकल की है तो शामी में भी है और इबन माजा में भी है ये हदीस लिहाजा पहले दूसरे और तीसरे दिन मैय के घर आल महल्ला के लिए खाना पके ये गलत है हाँ अपने लिए जायज़ है जो दूर पार से मेहमान आए हुए हैं उनके लिए जायज़ है आल महल्ला उनके घर खाना भेजेंगे उनके घर से खाएंगे नहीं चुनानचे दूसरी दरील अब उदोद शरीफ की है चुनानचे जाफर तैयार रबील अनह शहीद हो गए हजूर उनके घर तशरीफ़ ले गए तसली दी ताजियत की बच्चों के बाल कटे हुए थे नीचे गंजे थे ऊपर बाल थे हज़ूर अक्रम सल ने फरमाया अबित्र को कुल्लहू अवहलो को कुल्लू सारे बाल छोड़ दो या सारे बाल खत्म करो हलक करो गंजा करो लेकिन ऊपर बड़े बड़े बाल नीचे गंजा ये मत करो ये फरमाया फिर सुहाबा से फरमाया कि इस नाफ़र के जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करो और लेम शगल मौत उनके घर में फौदगी हो गई है शहादत हो गई है लिहाजा उनके लिए खाना तैयार करें और उनके घर खाना भेजें लिहाजा तीन दिन आल महल्ला मैय के घर खाना भेजेंगे ये सुन्नत है अगर लोग ना भेजें तो वो अपने लिए पकाएंगे ये भी जायज़ है और जो मेहमान हैं उनके लिए पकाएंगे वो भी जायज़ है लेकिन आल महल्ला आ जाए उनके घर पर डेरा डाल दे और उनसे खाना खाएँ इबन माजा की रवायत अबूद की रवायत शामी की इबारत ये दुरुस्त नहीं है ले श्रत फ़ि सुरूलाफर अलामा शामी फ़त में फ़रमाते हैं ये दावतें जो मकर हैं तो ये तो ख़ुशियों में दावतें होती हैं गमों में नहीं होती तीन दिन के बाद गम नहीं है तीन दिन के बाद जब गम नहीं है अब अगर दिन वक़्त और कैफियत को खास न की जाए और देख पका लिया जाए या खैरा सदक़ किए जाएँ या गरीबों को पैसे दिए दिए जाएँ या मदरसा और मस्जिद में कुछ काम कराया जाए इसका सवाब यकी मुर्दों को पहुँचता है इसमें किसी का इख्तलाफ़ नहीं है लेकिन दिन खास न किया जाए वक्त खास न किया जाए कैफियत खास न की जाए और जो दावत की जाए हाँ ये बात भी ज़रूरी है कि वो अपने पैसों से की जाए यानी अगर मैत के पैसों से दावत की जाए तो उसकी तीन शरात हैं मैत ने जो पैसे छोड़े हैं उससे दावत करना हराम है हाँ अगर तीन शरात हो तो फिर जायज़ है नंबर एक सारे और रसा राजी हों सारे और रसा हाजिर हों सारे और रसा बालग हों राजी बालग हाजिर ये अल्फाज याद रखो अगर सारे और रसा राजी हाजिर बालग हों तो अगर वो मैय के पैसों से दावत करे तो ये जायज़ है क्यों सारे राजी हैं ना सारे हाजिर हैं सारे बालग और उनके पैसे हैं अब मैय के नहीं है तो जायज़ है लेकिन वो ओरसा में अगर कोई बच्चे मौजूद है यतीम बच्चे मौजूद है या कोई गायब है या किसी पूछे नहीं है या एक दो आदमी कहें कि हम तो राज़ी नहीं हैं फिर दावत करना हराम है क्यों ये तो लोगों के पैसे आप लगा रहे हैं गैरों के पैसे आप लगा रहे हैं अपने पैसे लगाओ तो ये जायज़ है सारे ओरसा राज़ी हाजिर बाल तो ये शरा जायज़ है अगली बात जो है वो ये है कि मुख्तल अवात में दावत की जाए ये नहीं कि बस मंगल के दिन सिर्फ दावत करेंगे तो मंगल के दिन सिर्फ गरीब नहीं होता है हाँ पीर के दिन दावत करेंगे जी तो क्या बुध के दिन कोई गरीब नहीं होगा हर दिन हर रा, रात कभी भी आप दावत करें तो है, किसी दिन, किसी दिन रात दावत करें ये जायज है लेकिन एक वक्त को मुतयन करना कि फलाने दिन करेंगे हफ्ते के दिन और पीर के दिन या बुध के दिन तो यह नाजायज हो जाए किसी भी दिन कभी जुमरात कभी जुम्मन कभी हफ्ता कभी एतवार हाँ साल ये साल है तो क्या दो साल बाद दावत नहीं करेंगे अगर ये साल है तो ढाई साल बाद दावत नहीं करेंगे तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि दो साल पूरे हो गए जी दावत करो और अगर तीन साल पूरे हो जाए दावत नहीं करेंगे ये बात गलत है हाँ एक बात याद रखो दावत के हवाले से ये बात बहुत जरूरी है कि दावत में आप कितने पैसे लगाएंगे जी पचास हज़ार रुपये मेरा ख्याल ये है कि अगर ये पचास हज़ार रुपये हम अपने गरीब भाई बहन चचा मामू कज़न जो गरीब हैं उनके घर खाने के लिए कुछ नहीं है उसके लिए खोखा लगवाएं रेडी लगवाएं हाँ काम लगवाएं तो खुदा खुदाई कसम ये पचास लाख देगों से अफजल है अगर एक भाई को हम मस्तगनी करें तो ये अफजल है इससे कि हम दावत करें दावत भी करें गरीब को दे दें तब भी ठीक है गरीब को दे दें दावत न करें तब भी ठीक है दावत करें गरीबों को खिलाएं भाई को ना दे तब भी जायज़ है बेहतर ये है कि आपके रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब आदमी मौजूद है और उसको आप ये दावत के पैसे दे दें दे, तो इन इसका बड़ा हजर होगा अगली बात जो है एक दावत थी एक मैत वालों ने दावत की थी तीसरे दिन तो बड़ी शानदार दावत की थी मुगन और रोस्टेड मुर्गियाँ और बिरयानी और चावल पता नहीं क्या कुछ दावतें की थी खीर तो एक आदमी बैठा हुआ था वहाँ नौजवान काटन के सफ़ेद कपड़े स्त्री शुदा उसने पहने हुए थे वो कोई कोई उसको जान नहीं रहा था कि ये कौन है किसी ने पूछा भाई आप कहाँ से आए हैं उसने कहा मैं लड़की वालों की तरफ से आया हूँ अब देखो दरमियान में वो गुस्सा आया था उसको पता नहीं था कि ये शादी है गमी है तो ले शुर सुरूलाफ शुरूर तो दावत जायज़ है लेकिन तरतीब वही है जो आपको तरतीब बताई गई अल्लाह हम सबको समझता फ़रमाए आगे जो है वो कब्रिस्तान जाना कब्रिस्तान जाना सुन्नत है कुन तो नहे तो कुम अनज़ारतूर अला फ़जूरूह फ़ इन्ना तो ज़क्र आखरा मैं तुम लोगों को रोकता था कब्रिस्तान जाने से आप जाया करो आपके अकायद दुरुस्त हो गए तरबियत आपकी हो गई आप जाया करें लिहाजा कब्रस्तान जाना सुन्नत है और वहाँ आपको मौत और आखरत याद आ जाए ये मुस्तहब है और वहाँ आप दुआ असलकबूर यकफरम अन तुम सलफ नबर दुआ पढ़े वह बकुम लाह कौन दुआ पढ़ लें और सबक पढ़ लें दुआ करें हाथ उठाएं तब भी जायजें न उठाएं तब भी जायज है इमाम बुखार अहमद के उस्ताद और बकरी शेबा ने मुसन्फ़ में दोनों रवायतें जिक्र की हैं कि हाथ उठाना भी साबित है कब्रिस्तान में और हाथ न उठाकर दुआ करना ये भी साबित है दोनों ठीक है औरतों के लिए कब्रिस्तान जाना तो बाद रवायत में इसका आदम जवाज़ मिलता है और बाद में जवाज़ मिलता है आदम जवाज़ की जो रवायत है मशिकाजिलसानी और इबिन माजा में रवायत है ला रसूल वसल्लम अला जयरतुल्कबूर वलमत अलह मसाजद ला रसोल सल्हु वसलम अला जयरतुल्कबूर हजूर अक्रम सल वसम ने उन औरतों पर लानत भेजी है जो क़ब्रस्तान की ज्यारत करें वमुत अलह मसाजद वहाँ जाकर सजद करें सजद अल्लाह के सामने बुजर्ग फरमाते हैं कि इस हदीस में औरतों के लिए कब्रस्तान न जाना ये बताया गया है दूसरे बुजर्ग फरमाते हैं कि नहीं यह एक शर्त है ना वलमतदात अलह मसायद वहाँ जाकर अगर सजदे करें तब उन पर लानत है अगर सिर्फ कब्रिस्तान जाएँ तो ये जायज़ है चुनान चाहे अल्लाह शहा गई हैं बुखारी मुस्लिम सियासत में ऐसी रिवायत मौजूद हैं कि औरतें कब्रिस्तान गई हैं और दीगर रिवायत भी मौजूद हैं तो नाम ने सबको मिलाकर यह फ़तवा दिया है कि मर्दों के लिए कब्रिस्तान जाना सुन्नत है और औरतों के लिए कब्रस्तान जाना जायज़ है लेकिन बेहतर नहीं है और अगर जाएँ तो पर्दे में जाएँ और महरम की इज़ाज़त से जाएँ या महरम के साथ अगर जाएँ तो ये दुरुस्त है और वहाँ शिरक व बदत की बात न करें गैर अल्लाह से ना मांगें तो ये जायज़ है हलबी कबीर ने भी लिखा है और बजाजी में भी लिखा है बहरहाल ये कब्रिस्तान में मस्तूरात का जाना इस हवाले से बात थी अगली जो बात है इसके हवाले से वो है शहीद के शहीद कौन है तो एक तो शहीद वही है जो मैदान जहाद में काफ़रों के हाथों मारा जाए वो अफ़ल शहीद है और अशैफ़ मह उल्दनूब के तलवार जो है तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देती है एक वो शहीद है और अगर उसका इलाज न कराया गया उससे पहले उसका इंतकाल होगी और नमाज का वक्त उसके ऊपर ना आया तो फिर उन्हीं कपड़ों में और उसमें उस पर नमाज पढ़ाई जाएगी और शहीद वो भी है कि अलगरी़ शहीद वल शहीदुन वलमतिन शहीद वलमबत शहीद व ममनसक्त अलहिल जदार्फ व व शहीद, वल्मत्णुन शहीद। वमन कत्ल हलमसलम न फ़ो शहीदन मुख्तलि रवायतें हैं तो जो पेट के मरद से मर जाए वो शहीद है जिसको छुरी चाकू नेजा लग जाए वो शहीद है जिसको न कतल करे मुसलमान वो भी शहीद है जो सख्त मौत मर जाए या जिसके ऊपर दीवार गिर जाए वो भी शहीद है जो जल जाए वो भी शहीद है जो पानी में गर्क हो जाए वो भी शहीद है तो बहरहाल इस तरह शहदा जो नबी व ने इरशाद फरमाए वो काफ़ी हैं हकीकी शहीद कौन है वो मैंने बता दिया अगली बात ये मसाइल हम चला रहे हैं तरतीब से तो अगली बात जो है वो काबा के अंदर नमाज एक काबा है चार कोनों वाला उसके अंदर नमाज अगर आप पढ़ें जिस तरफ आप मुँह करें नमाज जायज़ है जिस तरफ भी आप मुंह करें नमाज पढ़ना जायज़ है काबे के अंदर नमाज लेकिन अगर आप हतीम माहमलैत जो उस कमरे से काट दिया गया है वो हतीम तो उसमें अगर आप नमाज़ पढ़ें तो आप काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें काबा के अंदर नमाज हो जाती है पाक पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है बिलाल ने पढ़ी है शुाबा ने पढ़ी है और आज भी लोग पढ़ते हैं बहरहाल लेकिन दरवाज़ा हर किसी हर किसी के लिए खुलता नहीं है तो बहरहाल तो ये जो हतीम है तो वो तो खुला है ना वो भी काबे का हिस्सा था लिहाजा अगर आप उसमें नमाज पढ़ें गोया कि आपने हतीम के अंदर नमाज पढ़ ली ये है काबे के अंदर नमाज पढ़ने का हुक्म अगली जो बात है वो रमबान हज और ज़क़़़़़ की बात है जहाँ तक रमबान की बात है तो रमज़ान पर तफसीली ती, दो तीन बयान आप हजरात के सामने गुज़र चुके हैं और हमारा जो पता है वेबसाइट का पता है आपको बार बार बताया जा चुका है लिहाजा उसमें शरीयत आसान है मैं ये तमाम दुरुस जो हमारे होते हैं आपको मिल जाएंगे और कुरानी दुरुस कुरान आसान है उसमें आपको मिल जाएगा इन तो रमज़ान और हज के हवाले से तकरीबन छः बयान आप अजरात के सामने हो चुके हैं तो आज वो तो हमारा सबक है लेकिन हम पहले इस पर बयान कर चुके हैं तो वो आप अजरात के सामने बयान नहीं करते हैं तो आज ज़कात को ले लेंगे और ज़कात पर बातचीत कर लेंगे तो ज़कात जो है ये अल्लाह ताला का हुक्म है बुनिया इस्लाम ख़म्स इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है शहादत अल्लाह ला, इल्ल्ला। ला इल्ल्ला। महमदोल्ला ये कहना और उस पर यकीन करना इसके मंदराजात पर ईमान लाना व इक़ाम और नमाज़ की पाबंदी करना व ज़क़ा और ज़क़़़़़त का अहतमाम करना व सोम रमज़ान और रमज़ान के रोज़े रखना व हजल बेत और बेतुल्लह का हज करना वरवत सलामामी अलजहादी सभी फरमाते हैं कि दिन के बहुत सारे अरकान हैं तो सबसे ऊंचा जो अमल है वो क्या है वो है अलजहाद फी सबल्ला तो उसमें एक है इस्लाम की बुनियादी चीज़ें बुनियादी अरकान वो पाँच है उसमें एक है ज़कवात ये जो हज है ये आखिर में इसकी फर्जियत हुई है और मक्का में न पर्दे का हुक्म था तेरह साल न शराब की हरमत न शर्द की हरमत और न रोज़े का हुक्म न ज़क़त का हुक्म न हज का हुक्म ये अहकाम मक्के में नहीं थे तेरह साल अक्सर अहकाम दस साल जो मदनी दौर है उसमें उतरे हैं तो ये ज़कात भी जो है ये दूसरे साल में इसकी फर्जियत हुई है मक्की आयतों में ज़कात का लफ्ज़ नहीं है इल्ला सुर मुज़म्मिल में उसमें ज़कात का लफ्ज़ मौजूद है उससे मुराद सबका नाफिला है इसलिए कि मक्के में फर्जियत नहीं थी तो जकवात जो है ये क्या है ये फर्ज़ है और ज़क़़़़़़़त की फ़र्ज़ियत दूसरे साल में हुई थी तो ज़क़़़़़त का हुक्म क़ुरान के अंदर मौजूद है अस्सी मकाम से ज़्यादा सलात व आतु ज़क़ात सदक़ात खैरात इसका ज़िक्र कुरान में काफ़ी जगह पर मौजूद है तो ज़क़़़़़़त हम अदा करेंगे जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन नमाज़ तो पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं इसलिए कि जेब का नुकसान नहीं है लेकिन जकवात नहीं देते हैं इसलिए कि जेब का नुकसान है जक़ात है ये टैक्स नहीं है तो जकवात का आप अहतमाम करें इसका मुनकर जो है वो काफर है और जकवात को मानने वाला और जकवात न देने वाला मानता तो है लेकिन देता नहीं है जैसे आम मुसलमान तो ये गुनाहे कबीरा के मरतकब है अलामा शामी ने फ़ु शामी किताब जक़ात जल्द नंबर दो में ये अजीब मसला लिखा है कि एक आदमी अगर हलाल तो ये माल कमाता और खाता है लेकिन जकवात नहीं देता है तो वो जो हलाल माल खा रहा है ये मकरू खा रहा है मकरूह इसलिए कि वो जक़त अदा नहीं करता है मकरूह हलाल कमा रहा है लेकिन जकवात नहीं दे रहा है तो वो हलाल माल भी उसके लिए खाना ये मकरू है मकरू का मतलब क्या है बेहतर नहीं है अच्छी बात नहीं है बुरी बात है जो ये जक़त नहीं देता है ये इसका मतलब है मकरू को बार लोग समझते हैं कि कुफर या शर्क या हराम है ये नहीं है मकरू का माना है बेहतर नहीं अच्छी बात नहीं है बुरी बात है कि जो आप इस तरह कर रहे हैं ये मतलब है मकरू का बहरहाल तो जकवात जो है आप किस तरह देंगे तो पहले तो इसकी फर्जियत के बारे में मैंने बात की और उसके बाद इसकी, इसकी फजीलत किया है मसलन अगर हम जक़त देंगे तो अल्लाह तै फ़रमाते हैं यम الله الربا व الصدقات, अल्लाह सूद और हराम माल को ख़त्म फरमाता है और तो व खैरत ज़क़ात को बढ़ाता है चुनानची इमाम कुरतबी ने तस्वीर कुर्तबी में पाक पैगम्बर की यदीस नकल नकल की है कि व इन नमालबा व इन कफ़र फ कि सूद और हराम माल जितने भी ज़्यादा हो जाए अंजाम एक दिन उसका सफ़र होगा फ तो अल्लाह के रास्ते में सदका करना और ज़क़़्त देना ये हमारे ऊपर है और हम ये करेंगे कुछ सदक़ात नाफिला है कुछ सदक़ात वाजबा है वो मैं आपको इन तफसील से बताऊँगा लेकिन फजीलत उसकी ये है कि अल्लाह माल को क्या करता है बढ़ाता है चुनान एक शायर है अरब का वो कहता है अन वला कत वला तत कुसमत अन फ़िक वला तत कुसमत अल इबाद नहमान अरज़ाक़ू वलाफ़ा उलबलुमा दुनिया मोलियता वला अबरुमालफ़ाक़ू अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो अल्ला के रास्ते में ख़र्च करो अल्ला की तरफ से तमाम बंदों पर रिजक़ तकसीम हो चुके हैं अगर आप दें और ऊपर से अल्लाह भी दे तो नुक़सान क्या है और अगर आप न दें और ऊपर से अल्लाह भी न दे फ़ायदा क्या है लिहाजा ज़क़ात हम देंगे सदक़ देंगे एक शेर है मुझे बहुत पसंद है तो अज़र भाई बहुत अच्छा शेर है आप तो माशा फ़ारसी जानते हैं तो एक शेर है और एक टुकड़ा उसका फ़ारसी का है और एक टुकड़ा उसका कुरान की आयत है अरबी है कुरान की आयत है शेर कहता है हर चिदारी खरचुकुंदर्राहिऊ हर चिदारी खरचुकुंदर्राहि उ लंतना लहत्ता तुनफिकु जो कुछ आपके पास है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो आप हकी नेकी तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक आप वो खर्च ना करें जिससे आपको मोहब्बत है किससे मोहब्बत है माल से तो खर्च करो बहरहाल तो इसकी बड़ी फजीलत है वीद किया है फत कहु जबीनू ये क़ुरान में भी है हदीस में भी इस तरह अल्फाज है जो आदमी जक़त नहीं देगा उसके माल से तख्ते बनाकर जहन्नम में उसको लाल किए जाएंगे और वो तख्ते तख्ते पेशानी पर और उसके पहलुओं पर उसको दागा जाएगा यही कुछ जेवरात के साथ किया जाएगा और जो जानवरों की जकवात नहीं देगा जानवरों की जकवात के ना मसाल किसी को मालूम है ना कोई देता है आज वही बताऊँगा इन शाला तो जानवर उसके ऊपर चलेंगे वही जानवर जिसकी उन्होंने जक़़त नहीं, नहीं दिए वो उसके ऊपर चलेंगे उसके ऊपर पैर रखेंगे और उसको मारेंगे लहजा जक़़त हम देंगे और शौक से देंगे और मोहब्बत से देंगे और इसकी बड़ी फजीलत है और अगर नहीं देंगे तो अल्लाह खफ़ा होंगे नाराज़ होंगे हमने गरीब का हक़ दबाया हुआ है और जिसको दोगे उस पर एहसान नहीं जितला होगे सला सलायतुल्ल कल महमल्ला वलय बुरम वलायीम वुम वला अदाबनआलिम अलमन्न

और अपना माल बेचें लिहाजा आपने इन बातों पर अमल करना है जिसको ज़क़ात दो उसको जतलाओगे नहीं हमारी एक रिश्तेदार खातून है बूढ़ी उसने मुझे कहा कि फ़िलानी औरत को मैं ज़क़ात देती हूँ और उस दिन मैंने कहा अगर हमारे बर्तन धो लो तो उसने इनकार कर दिया <laughs> तो जवाब ये कि जक़ुत जो हम देते हैं वो तो अल्लाह की रज़ा कर ही देते हैं आज ये जुमला बहुत आम है रक्षों के ऊपर गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है और ये बहुत खतरनाक जुमला है वो ये जुमला है न की न कर तो बुराई नहीं है किसी के साथ नए की न कर तो बुराई नहीं है ये गलत जुमला है इसका लोग मतलब ही लेते हैं जिसके साथ नए की करो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा और इस तरह हो भी जाता है होता है अक्सर होता है सुनो जुमला ये ठीक है और पहले जुमले की तशरी करता हूं नयकी कर दरिया में ढाल नय कर दरिया में डाल यह जुमला ठीक है क्यों नेकी हम क्यों करते हैं अल्लाह खुश हो जाए अल्लाह खुश हो गए ना बस चाहे वो हमको थप्पड़ कल मारे अल्लाह तो खुश हो गए ना अल्लाह ने देख ली नेकी बस जाओ अपना काम करो अगर आपने नेकी की इसलिए कल मेरा ये काम आए ये तो नाजायज है आपकी नेकी तो कबूल नहीं हुई नेकी न कर तो बुराई नहीं है ये जुमला गलत है नेकी कर दरिया में डाल ये जुमला ठीक है नए अल्ला की अल्लाह की रज़ा के लिए चाहे कल वो हमारे साथ अच्छा रहे या बुर रहे और हम अच्छे नहीं रहते हैं हमारी नीयत ठीक नहीं होती किसी को किसी के साथ हम नेकी इसलिए करते हैं ना ताकि उसको दबाएं नीचे लगाएं तो अल्लाह ताला उसको हमारे लिए ख़राब कर देते हैं हमारे लिए उसको ख़राब कर देते हैं तो हम कहते हैं यार हमने नेकी की और ये काम नहीं आया नमक हराम है ना नेकी कर दरिया में डाल सवाब मिलेगा चाहे वो आपके साथ अच्छा रहा या बुरा रहा ये बात गलत है तो और ये कौल बार लोग हज़रत हज़रतली रदीनों की तरफ मनसूब करते हैं कि नहीं न करो तो तकलीफ़ नहीं मिलेगी ये बात गलत है अली रजी के बारे में बहुत सारे अकवाल में जिसमें आते जाते हैं ये गलत है अली रजी का ये कौल ठीक है अगर आपके ज़रिए से किसी की हाजत पूरी हो रही है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप के ज़रिए से किसी की हाजत पूरी हो गई ये कौल सही है ये कौल अली रजी आल बैद के सरदार और अजीम मौली मनकुंत मौलाओली मौलाऊ जीम मोली अगर आ, उनके बारे में यह कहा जाए तो यह गलत होगा कि उन्हें यह कहा है कि भाई किसी के साथ नए की ना करो और तकलीफ मिलेगी ये बात गलत है नए की कर दरिया में डाल जक़ात दो बस अब उससे कोई काम नहीं लेना है तो जकवात क्या चीज़ है कब फर्जियत हुई है वाईद किया है फजीलत किया है यह सब कुछ मैंने बता दिया अब अब जकवात देंगे किस तरह और किसको देंगे और क्या शरात है तो वो आपको बता देता हूँ देखो ज़क़त का लुगि माना है पाकी और इस ही माना है कि मखसूस माल से मखसूस माल मखसूस अफराद को मखसूस शरायत के साथ देना मखसूस माल से मखसूस माल मखसूस अफराद को मखसूस शरायत के साथ देना ये है ज़क़त की तारीफ़ इसकी तहरीर इस तरह समझ लीजिए कि मखसूस माल से देना वो क्या है वो पाक पैगम्बर का अरसाद है कि जिसके पास सात मिसकाल सोना हो और दो सौ धरहम चांदी हो तो वो जकवात देगा या दो सौ धरहम चाँदी तो वो जकवात देगा यानी साढ़े सात तोला सोना या साढ़े बौन तोला चांदी दोनों में से एक जिसके पास वो जकुआत देगा अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सोने की कीमत तो ज्यादा है तो चांदी की तो कम है तो जवाब इसका ये है कि देखो एक दीनार वो सोने का होता है एक द्रहम वो चांदी का होता है दस द्रहम एक दीनार बराबर है दस द्रहम एक दीनार बराबर है इसे क्या बात मालूम हो गई कि नबी के ज़माने में भी एक और दस का फ़र्क था अदर भाई जी बार लोग कहते हैं उस वक्त में ये बराबर हो गए गलत है एक दीनार दिनार छहम के बराबर और दस द्रहम के बराबर एक और दस का फ़र्क था लिहाजा आज भी अगर फ़र्क है तो ऐसी बात नहीं है जिसके पास साढ़े सात तोला सोना हो या या का लफ्ज है या साढ़े पाँ तोला चांदी हो तो उस पर कुर्बानी भी है और जक़ात भी दे है अब हम चांदी की रेट क्यों लगाते हैं उसकी रकम क्यों लगाते हैं जवाब इसमें गरीब का फ़ायदा है ना अगर हम साढ़े सात तोला रख लें कि साढ़े सात तोले पर जक़ात और कुर्बानी है तो ये लाखों रुपए बनते हैं तो कोई भी कुर्बानी नहीं करेगा ना कोई जक़त देगा तो गरीबों को तो इसमें फ़ायदा नहीं है गरीबों का फायदा वक़्फ़ का फायदा वो किस में है उस कौल पर अमल जिसमें ज्यादा से ज़्यादा पैसों की सर्कुलेशन हो तकसीम दौलत ये माशियात की बात है इकनॉमिक की बात है कि दौलत की सर्कुलेशन हो तो मुल्क तरक्की करता है आ? और अफरात ज़र का शिकार नहीं होता है बल्कि तफरीत ज़र का शिकार होता है ये माशियात और इकनॉमिक्स की बात है लिहाजा ज्यादा से ज्यादा ज्यास अफरा जक़ात देंगे क़ुरबानी करेंगे कब जब चांदी को मैार करार दे दिया जाए साढ़े बांतोला चांदी आज कल साढ़े बावंतोला चांदी की जो कीमत बनती है आजकल पहले हम छः हज़ार बताते थे फिर पच्चीस फिर तीस अब हमने कल हिसाब लगाए जिसके पास सैंतीस हज़ार रुपये हो उस पर कुर्बानी वाज़िब है वाज़िब है, अब निसाब सैंतीस हज़ार रुपये है सैंतीस हज़ार रुपये ये निसाब है लिहाजा वो जक़़त भी देगा और कुर्बानी भी देगा और क़ुरबानी के मसाइल एक बार मैं बता चुका हूँ लेकिन अभी बता दूँ तो अच्छा है वो ये है कि एक बी ए में एक लड़की पढ़ती है लड़का पढ़ता है वो गैर शद हैं वालिदिन के पास रहते हैं लेकिन उनका बैंक बैलेंस अलग मौजूद है सन्तज़ार रुपए उन पर कुरबानी वाजब है सब खाना खाते हैं सब नाश्ता करते हैं सब नमाज पढ़ते हैं तो सब ज़क़़त भी देंगे और सब कुर्बानी भी करेंगे अगर पैसे हों ये नहीं घर का सरबराह कर ले जी ना सब खाना खाते हैं सब कपड़े पहनते हैं सब नाश्ता करते हैं सब नमाज़ पढ़ते हैं सब रोज़ा रखते हैं सब कुरबानी और ज़क़़ात का अमल करेंगे इन शह हैं ये बात गलत है कि एक फ़र्द कर लें ये बात गलत है हाँ अगर पांच बैठे वालिद के पास रहते हैं उनके पास अलग सैंती हज़ार रुपये ना हो कैश अलग बैंक बैलेंस जमा पूंजी तो उस पर ज़कात और कुर्बानी दोनों नहीं है अलग मौजूद हो कुर्बानी और कुर्बानी शौक से करो शादियों पर ख़र्चे करते हो गमों पर करते हो रिवाजों पर करते हो रस्मों पर करते हो और सालगिरह पर करते हो नाराज़ ना ना आपके घर में जो लुठी है उस पर आपने कितना खर्चा किया है बताओ ज़रा कुर्बानी के लिए मसले पूछते हो मेरे ऊपर कुर्बानी है या नहीं है आज के रोजाना फोन आ रहे हैं उस दिन एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया जी। मुफ्ती साहब मेरे पास साढ़े चार लाख रुपए हैं मेरे ऊपर कुर्बानी है <laughs> मैंने कहा नहीं आप तो फ़कीर उमस्किन है आप लोगों से मांगो शाबाश अल्लाह के बंदे कुर्बानी आप पर है ना साढ़े चार लाख रुपए आपके पास है मुझे फ़ोन करते हो मेरे ऊपर कुर्बानी है या नहीं अल्लाह के बंदे एक ने फोन किया एक खातून ने मुफ्ती साहब मेरे पास दस तोले जैरात हैं तीन मेरी बेटिया ना बाल अगर हर बेटी को तीन, तीन तीन तोले मैं दे दूं तो हमारे ऊपर कुर्बानी है तो मैंने कहा उनको देती क्यों नियत किया है कि जकवात से बच जाऊं या कुर्बानी से तो अल्लाह के साथ धोखा करती हो पक्का पक्का दे दो और खुद पर इस्तेमाल में और बेचने में न लाओ तो फिर जायज है लेकिन जक़त और उससे बचने के लिए ये तो बुरी बात है कि हम फलाने को हैबा करें फलाने कोबा करें ये तो दिन का मजाक लोग उड़ाएंगे खाद के पास बीस तोले सोने होंगे सोना होगा लिहाजा जब साल पूरा होगा उससे पाँच दिन पहले खादन बीवी को वक़ कराएगा अब तो बीवी का वो जेवरा ज़ेवरा तो बीवी के हो गए और फिर दोबारा जब साल पूरा होगा तो उससे पाँच दिन पहले वो खान को दे देगी तो ये दिन के साथ मजाक नहीं है कुर्बानी करो जक़ात दो और बहुत मोहब्बत से और उल्फत से इसको अपने ऊपर बोझ न समझो पाक पैगम्बर का अरशाद है एब माजा की रिवायत है मल्मा करबनाना जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो और उसकी इस्तात हो और कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में आकर हमारे पास आकर नमाज़ न पढ़े दफा हो जाए लिहाजा कुर्बानी करेंगे शौक़ से करेंगे मोहब्बत से करेंगे सब करेंगे और एक नहीं करेंगे पाँच पाँच और दस दस कुरबानियाँ करेंगे नबीलाम ने साठ कुर्बानियाँ की हैं आप करो ना अगर मालदार हो हर एक बकरा पकड़ के जा रहा है कुर्बानी करूँगा जी अल्लाह के बंदे तू करोड़पत्ती रुपत्ती है बीस पच्चीस बकरे जबा कर दस पंद्रह गाय जबा कर चुनानचे मैंने कराची में दस साल गुजारे हैं वहाँ के लोगों की तारीफ करता हूँ वहाँ बीस बीस पंद्रह पंद्रह कुरबानियाँ करते हैं माशा जो मालदार लोग हैं वो खूब कुर्बानी करें और मोहब्बत से करें मैं बात बता रहा था जकवात की बात कि मखसूस माल पर ज़क़ात है वो क्या है सैंतीस हज़ार रुपये मखसूस माल है ढाई फ़ीसद सौ में ढाई रुपये लाख में ढाई हज़ार करोड़ में ढाई लाख ज़क़ात है कीमत फ़रोख पर ज़क़ात है कीमत फ़रोख्त पर ज़क़ात है, है कीमत खरीद पर ज़क़ात नहीं है ज़ेवरात आपने ख़रीद लिए चार लाख के दो मिनट के बाद भेज दो तो उसकी कीमत बहुत घट जाती है तो कीमत फ़रोख़त का एतबार है कीमत खरीद के एतबार नहीं है जो चीज़ें खरीदते बेचते हो उस पर जकात है लिहाजा मखसूस माल में जकात है और मखसूस माल की जकात है और मखसूस अफराद को कौन से अफराद छः किस्म के अफराद को जकात नहीं दे सकते हो वो छः किस्म के अफराध याद रखो अपने पास लिख लो छः किस्म के अफरा को जकात नहीं दे सकते हो छः आदमियों को जकवात नहीं दे सकते हो बाकी तमाम दुनिया के तमाम मुसलमान ग़रीबों को जक़ुत दे सकते हो नंबर एक को नंबर दो मालदार को नंबर तीन मियाँ अपनी बीवी को चार बीवी अपने मियाँ को पांच जिनसे तुम पैदा हो छ जो तुमसे पैदा है उनको जकवात नहीं दे सकते ये छः अफराद हैं सैयद मालदार जिनसे तुम पैदा हो जो तुमसे पैदा हैं मियाँ बीवी को बीवी मियाँ को जक़ात नहीं दे सकती ये छः कस्म के अफराज जो हैं उनको आप ज़क़ात नहीं दे सकते हैं तफसी बताता हूँ सैयद, जो नबी साम के ख़ानदान से हो चाहे रज़ी के ख़ानदान से हो चाहे फ़ातिमा की औलाद से हो चाहे अब्बास रज़ी की औलाद से हो तो उनको आप ज़क़़त नहीं दे सकते और नबी ये नबीलाम ने ख़ुद फ़रमाया कि ज़क़़त ये मैल है और मैल जो है तो ये मेरे ख़ानदान वालों के लिए दुरुस्त नहीं है तो जकवात आप देंगे तो सैयद को नहीं देंगे सैयद को पाक अपना माल दोगे आम सदक़ात का हाँ जक़ात नहीं दोगे और मालदार जिसके पास सैंतीस हजार रुपए है वो मालदार है उसको आप जकवात नहीं देंगे उसको आप जक़ात नहीं देंगे जो तुमसे पैदा हैं बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे उनको जक़ात नहीं दे सकते हो और जिनसे तुम पैदा हो आपके वालदे और उनके वालदेन उनको जक़ात नहीं दे सकते हो क्यों इनका खर्चा तो आपके ऊपर लाजिम है मियाँ बीवी को बीवी मियाँ को जक़ात नहीं दे सकती है ये छः हैं उनको जकात नहीं दे सकते हो बाकी इनको जक़ात दे सकते हो गौर से सुनो मामू को कज़न को बेटा बेटी को तो जकात नहीं दे सकते हो लेकिन बहू और दामाद को जक़ात दे सकते हो सुसर सास को दे सकते हो और सबसे अफजल यही है सुसर सास भाई बहन चचा मामू कज़न बहू दामाद उनको आप जक़ात दे सकते हैं उनको बताना ज़रूरी नहीं है उनको बताना ज़रूरी नहीं है कि जक़ात के पैसे हैं बस दे दो और न तहक़ीक ज़रूरी है कि पूरे उनसे सवालात कर लो ये है और वो है और कितने आपके पास पैसे हैं फकह ने फरमाया कि ज़ाहरी हालत को देकर आप उनको जकात दे दें और उनको जतलाएं नहीं उन पर जतलाएं नहीं उनको आप जकात दें अल्लाह की रजा के लिए ज़क़त किसतवार दे दो तब भी जायज़ है साल पूरे होने से पहले दे दो तब भी जायज़ है साल पूरे होने के बाद दे दो तब भी जायज़ है आहिस्ता आहिस्ता दे दो तब भी जायज़ है इकट्ठी जकवात दे दो तब भी जायज़ है जायज़ है माहाना दे दो तब भी जायज़ है माहाना दे दो तब भी जायज़ है जिस तरीके से भी हो आप जक़ात दें पाँच औरतें होती हैं जीवरात कितने हैं दस तोले हैं जेवरात दस तोले हैं लेकिन पैसे नहीं हैं इसलिए कि पैसे जो होते हैं वो तो किसके पास होते हैं वो तो खाद के पास होते हैं बीवी के पास पैसे नहीं हैं तो इसकी एक सूरत ये कि खावन जकवात दें बीवी की तरफ से बीवी से पूछ के या औरत दें बीस बीस रुपये सौ सौ रुपए दो दो सौ रुपये पाँच पाँच सौ रुपए थोड़ा थोड़ा करके दे लेकिन जकवा़त दें अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो औरतें गुजरी उन्हें खंगन पहने हुए थे हुज़ूर अकरम सल्ला वल्ल ने फरमाया इसकी जकआत दो वरना नयामत के दिन यही ज़ेवरात आग में डाल के और लाल करके आपको दागा जाएगा औरतों को औरतें जेवरात पर फख्र करती हैं लेकिन जक़़त नहीं देती है अगर उनको खांद कहे ये मुझे दे दो जेवरात तो मैंने दुकान खोलनी है तो वो कहते नहीं औरतें कहती हैं नहीं जाओ अपना काम करो लेकिन अगर कोई उनको कहे कि आप जक़ात दें तो औरतें कहती हैं कि ये तो खाद के जेवरात हैं तो ये बात नहीं चलेगी औरत के जेवरात कौन से हैं और ख़ांद के इसके लिए मैं कैद कुल्ली और कानून आपको बताता हूँ आसानी से औरत के जेवरात वो हैं जो अपने घर से लेके आई हैं दो जो निका में लिखे गए हैं तीन जो खान ने गिफ्ट किए हैं ये तीन किस्म के जेवरात औरत के हैं बाकी ज़ेवरात मर्द के हैं तो ज़कात देंगे कितनी ज़कात देंगे किस को देंगे क्या शराय है वो मैंने आपको बता दी ज़कात किन मालों पर है किन चीज़ों पर है और किन चीज़ों पर ज़कात नहीं है वो आपको बताता हूँ देखो जकवात आप जब देंगे तो सोना चांदी और प्राइस बॉन्ड्स उसका इनाम हराम है शेयर्स फिक्स डिपॉज़िट सेविंग अकाउंट सेविंग सर्टिफिकेट्स बैंक बैलेंस किसी के ऊपर आपका कर्जा है वो सामान जो तुम ख़रीदते बेचते हो ये आप जमा करेंगे और उससे कर्जा माइनस करेंगे कर्जा निकालेंगे तो बाकी मानदा की जक़त दोगे लाख में ढाई हज़ार रुपये और किन चीज़ों की ज़क़ात है तो प्लाट की भी जक़ात है जो प्लाट तुम खरीदते बेचते हो जो प्लाट आपने इसलिए खरीदी कल बेचूंगा उस पर जक़ात है जो प्लाटी है या बच्चों के लिए खरीदी है उस पर जक़ात नहीं है ज़ाती गाड़ियाँ तीन चार उस पर जक़ात नहीं है ज़ाती प्लाट हैं उन पर जक़ात नहीं है जती चीज़ें उस पर जक़ात नहीं है ज़ाती पाँच छः घर है किराए पर लगे हुए हैं उस पर जक़ात नहीं है रेंटे कार वालों को आपने पाँच गाड़ियाँ टूटी दी हुई हैं उस पर जक़ात नहीं है जिन चीज़ों से तुम पैसे कमाते हो उस पर ज़क़़़़़त नहीं है जो आपकी ज़ाती हैं उस पर ज़क़ात नहीं है ये नहीं प्लाट घर गाड़ियाँ ज़ाती उस पर ज़क़़़़़त नहीं है जो गाड़ियाँ शोरूम में खड़ी हैं बेचते हो या प्लाट बेचोगे प्लाट खरीदो फ़रोख़ के लिए हाँ तो उस पर ज़क़ात है इसकी मिसाल इस तरह समझ लीजिए एक आदमी उसकी दुकान है कंप्यूटर बेचता है पंद्रह बीस कंप्यूटर है तो उसकी ज़कूत देगा इसलिए कंप्यूटर खरीदता बेचता है उस पर जकूत है एक और आदमी है वो कंपोजिंग करवाता है उसने सौ कंप्यूटर रखे हुए हैं लेकिन वो इसलिए रखे हुए हैं कि वहाँ कंपोजर बैठे हुए हैं कंपोजिंग करते हैं और लोगों को सफ़े बना के देते हैं तो उन सौ कंप्यूटर पर ज़क़ात नहीं है क्यों इसलिए कि वो कंप्यूटर सामान्य तजारत नहीं है बल्कि उससे वो कमाता है लिहाजा उस पर ज़कूत नहीं है उससे जो मुनाफा आता है उस पर ज़कूात है आपकी दुकान है बहुत बड़ी उसमें सामान पड़ा हुआ है दो तीन फ्रिज हैं फ्रीज़र हैं और कंप्यूटर हैं और रैक हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप सामान रखते हैं उस पर ज़क़ात नहीं है उस पर ज़क़ात नहीं है लेकिन दुकान के अंदर जो सामान आप ख़रीदते बेचते हैं तो उसकी कीमत फ़रोख्त पर ज़क़ात है कीमत फ़रोख मुख्तलिफ हो तो दरमियानी कीमत उस पर ज़क़ात है इसी तरह सौ बकरियों और दुम्बों में एक दुम्बा एक बकरा है सौ में तीस गाय हैं या तीस भैंस हैं उसमें एक गाय और भैंस है एक साल की अगर चालीस है तो दो साल वाली भैंस और गाय अगर ऊंट है अजीब पांच ऊंटों में एक बकरी है दस में दो पंद्रह में तीन बीस में चार बकरियां हैं पच्चीस ऊंटों में एक ऊंट है ओके हाँ, 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 हाँ। लेकिन यकीन जानिए कि निन्यानवे फीसद लोगों को ये पता नहीं होगा आ, शरीयत का इलम नहीं है कितने लोगों के पास ऊंट है पांच ऊंटों में है ना एक बकरी दस दस ऊंट होता है कोई देता है बकरा या बकरी देता है तीस तीस गाय होती हैं कोई देती है देता है जकवात नहीं देता है जब नहीं देते हैं तो माल में बरकत नहीं होती जब बरकत नहीं होती परेशानियाँ आती है। सब को अल्ला हैं हम सबको परेशानियों से महफूज फरमाए अल्लाह हम सबको समझ आता फरमाए तो सौ दुम्बों में एक दुम्बा सौ भेड़ों में एक भेड़ सौ बकरियों में एक बकरी तीस गाय या भैंस एक भैंस गाय एक सैलों वाली चालीस में एक भैंस या गाय दो साल वाली और पांच पांच ऊंटों में एक एक बकरा है लेकिन अगर पच्चीस हो जाए तो उसमें फिर एक ऊंट है एक साल वाला ये श्री मसाइल है हमको चाहिए कि हम इसको समझें और उस पर अमल करें लेकिन जित जिनके पास जानवर हैं तो उनको ये मसाले बताओ लेकिन अगर वो जानवर घर में रहें घर में चारा कहें चाहे वो एक करोड़ है उस पर जक़ुत नहीं हाँ, हाँ, हाँ। है है हदीस में आता कि उन जानवरों पर जकु़त है जो अस्सा एम हो चरने वाले हों अगर कभी कभी चरते हों अक्सर घर में हाँ, आ, हो, तो उन पर जकुत नहीं है अच्छा मुफ्ती साहब ये फिर जैसे डेयरी फार्म होता है लोगों के पास बीस पच्चीस चालीस या गायें रखी हुई हैं जो डेयरी फार्म बनाया हुआ उन्हें और उसका वो दूध जो है वो बेचते हैं और तो उसका क्या वही बात हो गई अगर यही जानवर आगे आ, चरते हैं बाहर तो उस पर जकत नहीं और अगर घर में उसको चारा खिलाया जाता है खिलाया जाता है तो उसमें जक़ात नहीं है लेकिन यहाँ ये यह बिजनेस भी पर... इन्वॉल्व है ना तो बिजनेस इन्वॉल्व है तो वो जो दूध से कमा रहा है ना उस पैसे उसके पास मौजूद है बस उस पर जकआत है भैंसों पर नहीं है या गाय पर नहीं है तब जब वो घर में रहे हैं और अजीब बात यह कि अठानवे फ़ीसद लोग जो भैंसें और गाय रखते हैं चाहे बच्चों के लिए रखें कि उनके बच्चे पैदा होंगे बेचेंगे या दूध के लिए तो वो घर ही में उनको खिलाते हैं मसला आसान है कि अक्सरियत पर वाक़न ज़क़़त नहीं होती है इसलिए कि वो घर में उनको चारा ला के देते हैं लिहाजा उन पर ज़क़ात नहीं है असाइम वो जानवर जो बाहर चरते हैं उन पर ज़क़़़़़़त हैं मेरे ख्याल में इतनी बातें काफ़ी हैं और आज मैंने बात बतानी थी कारोबार के मतलब लेकिन वो हमारा टाइम ख़त्म हो गया है तो अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तोफ़िक नसीब फ़रमाएँ वह आखरों तवाना ला एक सवाल था मुफ्त साहब और आपसे क्योंकि ईद करीब आ रही है तो इस हवाले से भी लोग जानना चाहते हैं कि आप हजूर जो हैं सल अल्लाह ईद की नमाज़ पर जाने से पहले क्या तैयारी किया कर यहाँ खातून ने कहा कि ईद पर बायदा आप अलग एक प्रोग्राम भी टैप करवा लें और उसमें तफसीली हवाले दे दें तो क्या उसमें बात कर लें या अब बात कर लें अच्छा, खुलासा ये है कि चलो ईद पर बात शुरू कर देते हैं जी सर। या आप काट लेंगे ठीक है ईद जो है येत से है औत का माना है लौटना और ईद भी बार बार लौटती है या खुशियाँ भी बार बार लौटती हैं या अल्लाह की रहमतें भी बार बार लौटती हैं इसलिए को ईद कहते हैं ये औद से है औद का माना है लौटना और ईद की खुशियाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें लौटती रहती हैं इसलिए ईद कहते हैं मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आया ईद के हवाले से और ईद आने वाली है शायर कहता है अईद फलईद वजहुल हबीब वईद वयमिलजुआ है बहुत अच्छा शेर है कि ईद और फिर ईद और फिर ईद जब तीनों ईदें जमा हो जाए तो एक महबूब का चेहरा महबूब का चेहरा महबूब का चेहरा किसका चेहरा बीवी का चेहरा अपने वालदे का चेहरा इश्क माशका और दोस्ती नाजायज वो तो हराम और नाजायज है यने अपने महबूब का चेहरा बीवी बच्चे वालदेन व यौम जुम आते हैं ईद का दिन हो और जुमे का दिन हो और आपके मतलब के लोग आपके पास मौजूद हों तो अल्लाह तीन खुशियाँ जमा हो जाएंगी अल अलआदल वजुल हबीब योम वो बहरहाल तोरम सल वसम जब मदीना मनोर तशरीफ़ लाए तो लोग खेल खेल रहे थे भाई क्या कर रहे हो हमारी ईद है कह छोड़ो इस ईद को आपके लिए ईद आीद, ईदलफितर है और ईद अबहा है

आपने रोजा रखा था सोम सोम का उलट क्या है फितर अपोजिट होते हैं ना तो सोम उसका उलट फितर ईद उल फितर पहले आप पर पाबंदी थी अब पाबंदी खत्म हो गई अब फितर है इफ्तार है अब खाओ पियो चुनाच ईद के हवाले से पाक पैगम्बर का इर्शाद है किलायाम फा आयाम इन अकलिन दिनों में रोजा मत रखो कौन से पाँच दिन फितर का एक दिन और के चार दिन इसमें रोज़े मत रखो इसमें शैतान का रोज़ा होता है एक तनकीद है तो रोज़ा मत रखो बल्कि ये खाने पीने और मिलाप के दिन हैं पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम के केर बुखारी शरीफ़ की है रात को मैं पढ़ रहा था अमदुल्खारी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि हज़ू अक्रम सल्ह वसलम जब शर्े बुखारी है अलामा आनी बहुत बड़े आलम दिन तो वो फरमाते हैं कि हज़ूर अक्रम अलैहि वसल्लम जब ईदलफितर की नमाज के लिए जाते थे तो पहले खजूर खाते थे और ताक खजूर खाते थे ताक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह इस तरह ताक खाते थे और फिर ईद की नमाज के लिए जाते थे लिहाजा इस हदीस से ये बात मालूम हो गई अगर छोटे ईद के लिए आदमी जाए तो मीठी चीज़ खा के जाए सुनत नबी है मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है आ, आ और हर सुन्नत में फवायद और खवास होते हैं जिनको हम जानते नहीं है लिहाजा वसल्लम इस पर अमल करते थे आदमी जाए या आए ईदलबा के लिए आदमी जाए और आए तो दो काम करें नंबर एक रास्ता तब्दील करें नंबर दो ईदालफितर में आस्ता आवाज से ईद उलहा में ऊंची आवाज से पढ़े अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला अकबर अकबर वल्म बार लोग शर्माते हैं पढ़ते नहीं है। आ, गाने गुन हैं गाने गुनगुनाते पर गुनगुनाते हैं गाने गुनगुनाते हैं तो उस पर शर्माते हैं नहीं हैं और दिन पर शर्माते हैं शौक़ से पढ़ो मोहब्बत से पढ़ो अल्लाह का जिक्र है अल्लाह के जिक्र को बुलंद करो और कहो अल्लाह अकबरल्ला ला अकबर लाला अकबरल्लाकबर वम इसको पढ़ लिया करो ईदलफ़ितर में ईद उबह में ये जो हदीस है कि जो आदमी कुर्बानी करे अपने अब्बास रदील्ल्न हमा से मुस्लिम शरीफ में रवायत है कि जो कुर्बानी करे तो यकम हज़ा से लेकर कुर्बानी तक वो बाल नाखुन न ना काटे इस पर अमल करना ना फ़र्ज़ है न वाजब है न सन्नत है बल्कि यह हुक्म तमामा के नज़दीक बिल इस्तेबा भी है और इस पर अमल करना मस्तहब है अगर कोई काटे तो उसको घुना नहीं है लेकिन न काटे तो उसको सवाल मिलेगा रवायत बिल्कुल सही है अगली बात जो है बड़ी ईद के लिए आप जाए तो कुछ मत खाएं जब वापस आप आए कुर्बानी करें और उसमें जो चीज़ जल्दी पकती हो वो आप पकाएं और उसको खाएं यही मुस्तहब तरीका है लोग कहते हैं ईद अजहा बड़ी ईद के दिन आधा रोज़ा होता है ये जुमला कहना बदत है आधा रोज़ा होता है जी बड़ी ईद के दिन ये जुमला कहना गलत है कोई सबूत इसका नहीं है बल्कि ये कहना चाहिए के बेहतर ये है कि ईद अजी के लिए जो आदमी आए तो कुछ खाए पिए नहीं नमाज़ के बाद जाए और जब कुर्बानी की जो चीज़ जल्दी पकती हो तो वो खा लें तो ये मस्तहब है अगर उसको शुगर है या उसको भूख लगी हुई है और वो खा लें ईदल की नमाज़ से पहले तो वो खा सकता है कोई गुनाह की बात नहीं है ईद अजहा और ईदलफितर से पहले चाश की नमाज़ नहीं है और इशराक़ की नमाज़ नहीं औरतें पढ़ लें तो ठीक है औरतों का मस्जिद में आना चुनानचे पाक पैगम्बर का पाक रू एमा मसाजिद अल्लाह की बंदियों को लोंडियों को यानी औरतों को इनको मस्जिद में आने से मना मत करो लिहाजा औरतें अगर मस्जिद में आएँ नमाज़ पढ़ने के लिए तो ये जायज़ है और ईदेन के लिए औरतें आती थीं तो ये जायज़ है हा? तो पर्दे का अहतमाम करें तो जायज़ है पाक पैगम्बर ने ये भी फरमाया सोला कुन्ना फू फी बन्ना खैरल्ला कुन्ना ए औरतों तुम्हारा तुम्हारी नमाज पढ़ना तुम्हारे घरों में ये तुम्हारे लिए बेहतर है तो बेहतर घर है वहाँ आए तो वह भी जायेद चुनान चरत आयशर से रवायत है लो रान नबी सगर हजूर अक्रमली वसम देख लेते कितों की आज कल रविश किया है इंतकाल के बाद जो मैं देख रही हूँ कमांत न साहल उनको हुजूर मना फरमाते हैं जिस तरह इसराइल की औरतों को मस्जिद में आने से मना किया गया बुखारी शरीफ आएख रजी अल्लाह उ से रिवायत है ये रिवायत बतलाती है कि घरों में नमाज पढ़ना अफजल है और ईदगाह या नमाज के लिए आना ये जायज़ है इस पर अहदीस मौजूद हैं तो ये ईद के हवाले से ज़रूरी बातें थी इसमें शेर व शायरी जायज़ है और इसमें दफ ये इस्लाम जायज़ है इसमें मस्तब मुबा खेल मस्तहब हो जाता है अलामा अमन हजर अल अल्कलानी ने बुखारी की शराफतुलबारी में लिखा है कि खेल मुबा होता है लेकिन ईद के दिन वो खेल मस्तहब बन जाता है अल्लाह खुशी का हुशी अगर हुशी कोई का खेले फुटबॉल खेले वाली खेले बास्केटबॉल खेले तो वो मस्तहब हो जाएगा हाँ अम इबन हजर अल अलास्कलानी फ़तुलबारी शर बुखारी में फ़रमाते हैं कि मबा खेल जो है ना वो क्या हो जाता है मस्तब हो जाता है तबला या आ, खेल या अच्छा खाना ये सलाम ने इरशाद फरमाया है लिहाजा ये चीज़ें मस्तहब बन जाती हैं और इसमें बोज़ हसद कीना फ़साद बेतफाक़ी इसको छोड़ना चाहिए अगर आपकी ग़लती है तो तुम माफ़ी मांगो और अगर आपकी ग़लती नहीं और आप मुआफ़ी ना मांगे तो आप गुनागार नहीं होंगे लेकिन अगर मुआफ़ी मांग लें तो ये अफजल है हम सबको समझता फरमाए ईद के हवाले से मेरे ख्याल में इतनी बात काफ़ी है आ, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमारे साथ थे मुफ्ती मोहम्मद इसमाइल तोरो और आ, हम बात कर रहे थे शरीयत आसान है